अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं मोहसिन हूं बुराक ऑन व्हील्स की तरफ से। और जैसे आप नोटिस किया होगा, ये एक व्लॉगिंग वीडियो नहीं है, ये एक्चुअली एक अनबॉक्सिंग वीडियो है। जैसे आपने देखा होगा, हम लोग व्लॉगिंग करते हैं, बाइक ट्रिप्स पे हम लोग जाते हैं, हम लोग ट्राई करते हैं मंथ में एटलीस्ट एक बार बाइक ट्रिप पे जाया जाए। और फिर हम क्या करते हैं कि उसकी वीडियोज हम रिकॉर्ड करते हैं और एज अ व्लॉग बना के अपने चैनल पे अपलोड कर देते हैं। और अगर आप देख रहे हैं और आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, तो आपके सब्सक्राइब पे शुक्रिया और थैंक यू हमें हमारी वीडियोस देखने का और लाइक करने का और शेयर करने का। और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं है, तो मैं आपसे कहूंगा कि सब्सक्राइब बटन क्लिक करें ताकि आप और व्लॉगिंग वीडियोस देख सकें। तो लास्ट टाइम जैसे हम देखा होगा, हम जो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं मोस्टली हमने अपने हेलमेट पे यहाँ पे कैमरा माउंट किया होता है। मेरे फ्रेंड्स के पास अकासो के कैमराज हैं। मैंने कैमरा नहीं परचेज किया था एक्चुअली, मैं अपना मोबाइल यहाँ पे हेलमेट के आगे लगा लेता था DIY हैक करके। सबसे पहला और मेन इशू उसका ये आता है कि जब आप कैमरा लगाते हो मोस्टली वो आपके हेलमेट के साथ अटैच हुए होते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम ये आता है कि फॉर एग्जांपल आपने अगर वहां कोई चीज दिखानी है और आप ऐसे करके मुड़ते हो और आप रोड पे ऐसे करके अपनी आईज रखते हो, तो आप नहीं मैनेज कर सकते। दूसरी चीज उसमें प्रॉब्लम ये है, वो ये आता है कि फॉर एग्जाम्पल जब आप कहीं रोड पर होते हैं, जब काफी हिली एरियाज होता है या कोई आपके ऑफ रोड ट्रैक होता है, उसमें इश्यू होता है कि हमारी आईज मोस्टली सड़क पर होती है, हम ऐसे करके बाइक चला रहे होते हैं। और क्योंकि हमने अपनी बाइक को प्रॉपर उस ऑफ रोड के ट्रैक से गुजारना होता है, तो हम रोड पे देखते हैं, पत्थरों से बचते हुए रास्ते को देखते हैं, अपनी बाइक निकालते हैं। उसमें इश्यू ये होता है कि मैंने बहुत दफा ये चीज नोटिस की है कि क्योंकि हमारा फेस ऐसे होता है, तो हमारा कैमरा भी ऐसे हुआ होता है, और जिसकी वजह से आपको जो है ना, हमें तो एटलीस्ट फिर भी कुछ नजर आ रहा होता है, लेकिन जो वॉचर होता है उसको सिर्फ जो है बाइक का अगला टायर और सड़क नजर आ रही होती है। तो हम तो फिर उसको देख के थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन जो वॉचर होता है उसके लिए इतना फिजिबल नहीं होता, वो इतना एंजॉय नहीं करता उस वीडियो को। तो ये मेरे लिए काफी प्रॉब्लम था, क्योंकि मैं देख रहा था कोई ऐसा कैमरा हो जो जिसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत ब्रॉड हो। मैंने स्पेशली, मेरा मूड था एक कैमरा जिसका मैंने ऑनलाइन काफी सुना था, Insta360 1X2। ये एक्शन कैमरा आप इसको कह सकते हैं, ये कैमरा है जो मेरा मूड था लेने का, और हमने एज अ ग्रुप इसको परचेज किया लास्ट वीक। अभी हम इसको अनबॉक्स कर रहे हैं और देखेंगे कि इसमें क्या क्या है, आपके साथ भी शेयर करेंगे। मैंने इसके बारे में काफी इंटरनेट पे पढ़ा, काफी जबरदस्त कैमरा है, काफी बहुत इसमें अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग फंक्शन है, जिसकी वजह से आपकी वीडियोज, हमारी वीडियो स्पेशली, बहुत ज्यादा मजेदार और इंटरेस्टिंग बन सकती है। तो इसको पहले अनबॉक्स करते हैं, ओपन तो मैं कर चुका था। तो जब ये आपके पास एज अ बॉक्स आता है, सबसे पहले मैं आपको इसके मेन फीचर्स बता देता हूं। सो इस कैमरे के मैं आपको सबसे पहले फीचर्स बता देता हूं, मेन सबसे पहला फीचर ये कि 5.7K तक ये आपकी वीडियोस शूट कर सकता है, पिक्चर्स भी ले सकता है। दूसरी चीज जो सबसे बहुत ही अच्छा फीचर इसमें है, वो है फ्लो स्टेट स्टेबिलाईजेशन। मैंने खुद यूज नहीं किया अभी तक, मैंने इसके बारे में सुना है काफी कि फ्लो स्टेट स्टेबिलाईजेशन बहुत ही जबरदस्त स्टेबिलाईजेशन आपको देता है ये। अब मैं निकलूंगा इस टाइम, मैंने जाके इसको टेस्ट करना है पहली दफा बाइक पे लगा के, ताकि इसकी वीडियोस कैसी आती है आपसे शेयर भी करूंगा, अपलोड भी करूंगा। फिर इसके बाद आती है, इसके बाद थर्ड ऑप्शन है इनविजिबल सेल्फी स्टिक। सेल्फी स्टिक इस पैक के साथ नहीं आती, हमने अलग से परचेज की है, नॉर्मल इसकी सेल्फी स्टिक है, 3 फीट होगी ये। और इस स्टिक का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि नॉर्मल ये सेल्फी स्टिक की तरह यूज होती है, लेकिन जो इसका मेन फंक्शन वो ये है, ये Insta360 की ही सेल्फी स्टिक है। और इसका मेन फंक्शन ये है कि जब आप इसको इसके ऊपर अपना, अभी मेरा कैमरा गिर जाता है, इसके ऊपर जब आप अपना कैमरा यहाँ पे माउंट करते हैं, तो ये सेल्फी स्टिक आपको वीडियो में शो नहीं होती। अगर आप इसको ऊपर करके यूज कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आप जो आप सिर्फ हाथ ऐसे रखते हो, सेल्फी स्टिक टोटल गायब हो जाती है। ये इसका मेन फंक्शन है, इसको इनविजिबल सेल्फी स्टिक कहते हैं। खैर, इसके बाद आता है जो ऑप्शन है इसमें सबसे अच्छा है, वो है AI एडिटिंग। इसका फायदा ये, आप इस कैमरे को अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल में इसकी अपनी ऐप है जिसमें काफी अच्छे फीचर्स, बिल्ट इन फीचर्स है, जो कि आपको बहुत इजीली और बहुत जल्दी वीडियो एडिट कर देते हैं। फिर आपके पास आता है 4 डायरेक्शनल माइक 360 ऑडियो। इसका फायदा यह है कि इसकी ऑडियो आप जो है शोर में और रश में भी, चाहे आपसे थोड़ा दूर भी हो, आपकी ऑडियो काफी क्लियर आती है। लेकिन मैंने टेस्ट नहीं किया ये भी, मैं इंशाल्लाह कल टेस्ट करूंगा। अल्ट्रा ब्राइट टच स्क्रीन है इसकी। तो ये तो था बैक पे, इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले आपको यहां पे मिलता है इसका एक पाउच और आपका कैमरा, ये है Insta360 1X2। ये है कैमरा आपका Insta360 1X2, ये इसकी मेन स्क्रीन है। इसके दो वर्जन है, Insta360 1X और Insta360 1X2। ये 1X2 है, जो 1X है वो आपको मिल जाता है अराउंड 50 to 60,000 में, और जो Insta
वन एक्स टू है, इसकी प्राइस इस टाइम मार्केट में आपको नई की प्राइस मिलेगी अराउंड 80 to 90,000 रुपीज, डिपेंड करता है क्योंकि डॉलर के रेट ऊपर नीचे आते रहते हैं और उसके हिसाब से इसकी प्राइस भी बढ़ती रहती है क्योंकि। तो हमने इसको एज ए ग्रुप परचेज किया तो सब पे कॉस्ट भी कम आई और हम जो है इसी वजह से काफी इक्विपमेंट भी ले सके। तो बेसिकली इस कैमरे का मेन फंक्शन ये, जैसे मैंने बताया कि जैसे आप देख सकते हैं इसमें दो लेंस लगे हुए हैं कैमरे, जो एक फ्रंट है और एक बैक कैमरा है। बेसिकली जब मैंने यूं करके रखा इस टाइम ये कैमरा, तो ये आपको इस साइड की फ्रंट लेफ्ट राइट डाउन अप आपको ये सारा एरिया यहां से रिकॉर्ड करता है, पिछला लेंस इसका सारा इस साइड के एरिया रिकॉर्ड करता है और इसके अंदर ही फीचर्स जो है दोनों को आपस में मिला देता है, तो बिल्कुल एक सर्कल टाइप के आपको 360 वीडियो रिकॉर्ड करके दे देता है। काफी अच्छा, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, थोड़ा सा हैवी है ये, लेकिन एक चीज है इसके लेंस बहुत एक्सपोज्ड है तो आपको इसके लेंस का खास तौर पर ख्याल रखना पड़ेगा, मुझे भी खास तौर पर, क्योंकि छोटे से भी स्क्रैच आ जाए तो उसका लेंस, इन कैमरों का लेंस जो है काफी एक्सपेंसिव होता है अगर आपको मिला तो। ये इसका मेन फंक्शन है कि ये 360 वीडियोस रिकॉर्ड करता है और आप इसको, फिर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, पहले तो ये कि आप फुल 360 वीडियो ही यूट्यूब पे अपलोड कर दें, जो कि मैं अभी करूंगा, इसके बाद में जाके इसको टेस्ट करूंगा और उसकी वीडियो अपलोड करूंगा 360 में, और दूसरा ऑप्शन ये आप उसकी 360 से नॉर्मल वीडियो निकाल सकते हैं। तो काफी अच्छी चीज है गोप्रो के लिहाज से, एक्शन कैम के लिहाज से, ये मेरे लिहाज से ये ज्यादा अच्छा है। तो मैं इसके आइंदर से जो मैं जितनी भी अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करूंगा व्लॉगिंग की, वो ट्राई करूंगा कि मोस्टली इस पे रिकॉर्ड करूं, ताकि आपको 360 व्यू भी मिल जाए और इसकी, और इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है मेरे मोबाइल के लिहाज से और दूसरे एक्शन कैम्स के लिहाज से। और जैसे मैंने कहा व्लॉगिंग के लिए बहुत अच्छी चीज है क्योंकि इसकी जो स्टेबिलाइजेशन है वो कहते हैं कि बहुत जबरदस्त है, लेकिन मुझे नहीं पता कि बाइक पे कैसी स्टेबिलाईजेशन देगा ये। जब मैं यूज करके इसको अपलोड करूंगा इसकी वीडियो, तो फिर आप लोगों ने मुझे बताना है कि इसकी कैसी वीडियो क्वालिटी है, उसकी स्टेबिलाईजेशन कैसी। मुझे तो लग रहा है कि अच्छी होगी, काफी डिसेंट होगी, लेकिन मैंने खुद यूज नहीं किया तो मैं कुछ नहीं कह सकता। इसके अलावा ये था Insta360 ONE X2, हम इसको यूज करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियोज में भी। और इसके साथ जो दूसरी चीज हमने परचेज की है वो है ये DJI Mini 2 ड्रोन, और ये अभी तक पिन पैक है, मैंने अभी तक इसको नहीं ओपन किया, ये हमने दराज से ऑर्डर किया है, अभी तक पिन पैक है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था इसको ओपन करने का। इसको भी अनबॉक्सिंग करेंगे और साथ में इसकी भी आपको एक टेस्ट फुटेज मैं वीडियो बना के अपलोड करूंगा, और इसके लिए आपको एटलीस्ट 1 वीक वेट करना पड़ेगा क्योंकि मेरा मूड तो था इसको लेट खोलने का, लेकिन क्योंकि दराज की 7 डेज रिटर्न पॉलिसी है तो मैं इसको ट्राई करूंगा आजकल, मैं इसको ओपन करके चेक कर लूंगा, अगर इसमें कोई मसला हो तो मैं दराज से वापस भिजवा दूंगा, क्योंकि अगर मैं इसको लेट कर लिया और मैंने इसको ओपन किया और फिर इसमें कोई इश्यू निकल आया तो मैं इसको वापस नहीं कर सकता और मैं और जो फिर मुझे हार्ट अटैक ही हो जाएगा। तो इंशाल्लाह इसको भी ओपन करेंगे, इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे DJI Mini 2 की ड्रोन की, और इंशाल्लाह आई होप, और ये फ्लाई मोड कॉम्बो है और आई होप कि ये ठीक हो और इसमें कोई इश्यू ना हो। और गाइस हम ट्राई कर रहे हैं कि अपने चैनल को, अपने व्लॉग्स को और भी बेहतर बनाएं और भी अच्छा बनाएं, ताकि आप लोगों को देखने में मजा आए और हमें व्लॉग बनाने में भी मजा आए और काफी इंजॉय करें। और दूसरी चीज ये गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए, हमारी व्लॉगिंग पसंद आए, या आपको इनकी अनबॉक्सिंग देखनी पसंद आए, टेस्ट फुटेज आपने देखनी है, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आपको हमसे कुछ सवाल पूछना है तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट्स में अपने राय का इजहार कर सकते हैं, और कोई भी चीज हमसे पूछनी हो, देखना हो, तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं, या हमारे इंस्टाग्राम, हमारे फेसबुक का भी पेज है बोराक ऑन व्हील्स, उसका भी नाम है, आप वो भी लाइक सब्सक्राइब कर लें, खैर सब्सक्राइब तो नहीं होता, आप उसको भी फॉलो कर लें, उस पर भी पिक्चर कुछ, क्योंकि यूट्यूब पे हम बेसिकली पूरी ट्रिप की एक वीडियो बना के देते हैं, उसके अलावा जो छोटी मोटे हम ट्रिप्स करते हैं, कोई भी पिक्चर्स होती है डिफरेंट, क्योंकि पिक्चर्स सारी हम यहाँ नहीं बता सकते, पिक्चर्स वगैरह जो छोटी मोटी क्लिप्स होती हैं वो हम जो है अपने टिकटॉक स्नैक ऐप पे देते हैं, इंस्टाग्राम पे भी थोड़ी ना, अपने इंस्टाग्राम पे दे देता हूँ पिक्चर्स वगैरह, फेसबुक पेज पे हम पिक्चर्स अपलोड कर देते हैं, और जो यूट्यूब है वो हमने बेसिकली हम पूरी ट्रिप को शॉर्ट करके विद इन 10 to 20 मिनट्स की वीडियो बना के डालते हैं, ऐसे में फुटेज बहुत ज्यादा होती है लेकिन हम उसको काफी शॉर्ट करके यहाँ पे डाल देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो इसकी है, नेक्स्ट वीक में अपलोड करूंगा, तो आप जरूर वो भी देखें, जो चीज पसंद है जो चीज ना पसंद है हमें कमेंट्स में बताएं। और तो गाइस इसके साथ टेस्ट फुटेज का वेट करें और फिर देखें आपको कैसे लगती है। सो बाय बाय।